नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। स्थानीय क्षेत्र के निवासियों ने पुलिस के मौके पर आने की शिकायत करते हुए सड़क जाम कर पुलिस की गाड़ी को घेर कर विरोध किया। घटना एकरा पोटाशपुर स्टेट हाईवे पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पोटाशपुर थाने के खराई श्याम सुबर इलाके में रविवार रात करीब 8 बजे हुई। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय क्षेत्र के लोगों की पोटाशपुर थाने की पुलिस से कहा सुनी हो गई। इसके अलावा पुलिस के चारों ओर विरोध प्रदर्शन कुछ देर तक जारी रहा। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को धक्का मारकर जमकर हंगामा किया। इस घटना को लेकर रविवार की रात स्थानीय इलाके में काफी तनाव की रही। आखिरकार पुलिस और स्थानीय लोगों की कार्यवाही से स्थिति सामान्य हुई। साथ ही पुलिस आरोपी को मौके से कब्जे में लेकर पोटाशपुर थाने के लिए रवाना हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पोटाशपुर थाने के खाचूबर गांव में 23 मार्च को धीरेन पात्रा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। अगले दिन 24 मार्च के आसपास मृतक के परिवार समेत कई लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक को उसके परिजनों ने पीट पीट कर मार डाला। इसी दिन दोपहर में ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय गांव के एक मंदिर के प्रांगण में बैठाकर उससे कई घंटे तक पूछताछ की। हालांकि आरोपी पुत्र उत्तम पात्रा, उसकी पत्नी सीता पात्रा व उसकी मां सुमित्रा पात्रा से ग्रामीणों ने पूछताछ की। अंत में इस दिन की शाम तक तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ग्रामीणों और मीडिया के कैमरों के सामने पीट पीट कर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि कोई स्पष्ट रूप से ये कहने को राजी नहीं है कि उसने हत्या, क्योंकि इस घटना की बार बार पोटाशपुर थाने की पुलिस को सूचना देने के बावजूद वे मौके पर पहुंची। वही पुलिस देर से मौके पर पहुंची तो स्थानीय क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस को देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस द्वारा आरोपियों को ले जाने के दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस की गाड़ी के चारों ओर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए पश्चिम बंगाल से प्रदीप कुमार मायती की ये खास रिपोर्ट।